बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सनाज शो। सो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में रखे, आमीन। माय यूट्यूब माय क्यूट फैमिली। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एलोवेरा होम मेड फेशियल। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने आपके साथ कोई फेशियल होम मेड शेयर नहीं किया था, तो आज मैंने कहा आपके साथ एक फेशियल शेयर किया जाए जिसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। हमें चाहिए एक एलोवेरा का लीफ। आप लोगों ने बाज़ार वाला यूज़ नहीं करना है, हमें इसका लीफ यूज़ करना है। इसको आपने एक लीफ लेना है और इसको अच्छे से वॉश जो है आप लोगों ने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। आज मैं आपको एलोवेरा से फेशियल करने के स्टेप बताऊंगी और बताऊंगी कि आप उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप लोगों ने एलोवेरा जेल के को 4 पीसेस में कट कर देना है। 2 पीसेस की आप लोगों ने जेल निकाल देनी है और 2 पीसेस के सिर्फ आपने अपर लेयर जो है वो कट करनी है। हमारा फेशियल जो है 4 स्टेप्स पर है। एक होगा क्लिंजर, एक स्क्रब और एक टोनर और एक सीरम होगा। तो क्लिंजर रेडी करने के लिए सबसे पहले, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपकी स्किन पर पिंपल्स, एक्नी पॉन स्किन है आपकी, तो आप लोग बेसन को यूज़ करेंगे। आप लोग जो हमने एलोवेरा का जो लीफ लिया था उसको जो हम 4 पीसेस में कट किया था, 2 पीसेस की जेल निकाल ली थी और 2 पीसेस की अपर लेयर हमने उतारी थी। उसमें से एक की जो हमने अपर लेयर उतारी थी उसके ऊपर आप बेसन रख दीजिए, ठीक है। और स्क्रब के लिए हम लोग शुगर यूज़ करेंगे, पिसी हुई शुगर जो के हम मतलब पाउडर फॉर्म में होती है। तो दूसरे जो हम हमारा जो दूसरा पीस होगा हमने उसके ऊपर जो है शुगर रख देनी है। हमारा क्लेंजर, हमारा स्क्रब रेडी है। अच्छा, अब हम लोगों ने बनाना कोई टोनर, और हमें टोनर बनाने के लिए चाहिए जो हमने जेल साइड पर रखी थी और रोज़ वाटर, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, जो जेल हम लोगों ने 2 लीफ की जो जेल हमने साइड पर रखी थी, आप लोगों ने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। जब वो ब्लेंड हो जाए तो हाफ हम वो टोनर में यूज़ करेंगे, हाफ हम सीरम में यूज़ करेंगे। टोनर के लिए जी हमें चाहिए रोज़ वाटर, और हमें सीरम के लिए चाहिए मिल्की कैप्सूल। अगर मिल्की कैप्सूल नहीं है तो आप लोग इनियादी कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने जेल जो है ब्लेंड कर ली है, जेल ब्लेंड करके निकाल ली। अब टोनर में आप लोगों ने करना क्या है, टोनर में आप लोगों ने हाफ एलोवेरा जेल जो हमने ब्लेंड किया था वो आप लोगों ने MPT जो स्प्रे बोटल होगी उसके अंदर ऐड कर देना, और हाफ आप लोगों ने रोज़ वाटर, यानी कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्नी प्रोन है, तो आप जो है ग्रीन टी का टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। कि मतलब कि आपके ग्रीन टी, हाफ कप ग्रीन टी और हाफ टी हाफ कप जो है उसके अंदर वही एलोवेरा जो हमने ब्लेंड की थी, ठीक है। आप लोग उसको मिक्स कर लीजिए तो ये आपका जो ज़बरदस्त सा टोनर रेडी हो जाएगा। अच्छा, सीरम के लिए हमें क्या चाहिए, सीरम के लिए हमें हाफ ब्लेंड किया हुआ जो हमारे पास एलोवेरा था ब्लेंड किया हुआ वो हाफ हम लोगों ने लेना है, और इसके अंदर 5 हम लोगों ने कैप्सूल जो है मिल्की कैप्सूल आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, मिक्स कर लेना अच्छे से। हमारा सीरम जो है रेडी है। अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। फेशियल करने से पहले टोनर को आप अच्छे से स्किन पर स्प्रे करें और फिंगर की मदद से स्किन में ऑब्जर्व कर लें। टोनर जो है हमारे pH लेवल को बैलेंस करता है। अब इसकी क्लिंजिंग करें। एलोवेरा आपकी स्किन को एक्ने को ख़त्म करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपकी स्किन पर जो पिगमेंटेशन होती है उसको कम कर देता है, डिस्कोलरेशन को कम करता है, स्किन पर ग्लो लेके आता है, विटामिन ई होने की वजह से ये स्किन को यंग रखता है। ऑर्गेनिक चीज़ों को रिज़ल्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जो है लाइफ टाइम रिज़ल्ट होता है, और सबसे अच्छी बात इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। 10 मिनट तक आप लोग क्लिंजिंग करें, फिर फेस वॉश कर लें और दोबारा आप लोग फेस पर टोनर अप्लाई करें। ड्यूरिंग फेशियल टोनर बार बार इसलिए यूज़ करना चाहिए, टोनर जो है वो हमारे फ़ौरन से pH लेवल को बैलेंस कर देता है। 1 से 14 तक pH लेवल होता है, तो ये जो है 7 पर ले आता है pH लेवल को। अच्छा, शुगर को एज अ स्क्रब इसलिए यूज़ किया है कि मैं किसी स्किन पर ग्लो आता है, फेस पर ग्लो आता है। आर्ट में जो लोग होते थे वो शुगर का स्क्रब यूज़ करते थे एलोवेरा और टोमेटो के साथ, उससे अपनी स्किन पर स्क्रबिंग करते थे जिससे स्किन पर ग्लो आता था, उसको डेली यूज़ करते थे। शुगर आपकी स्किन को टाइट भी करता है। ये फेशियल आपने 7 डेज के बाद लाजमी करना है और 10 मिनट तक स्क्रब करना है। स्क्रब के बाद आप हॉट टॉवल यूज़ करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि जो पोर्स बने हुए हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, वो साफ़ हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोबारा टोनर अप्लाई करें। इसके बाद सीरम आप लोगों ने, जब आप लोगों ने, आप लोगों का 10 मिनट की क्लिंजिंग होगी, 10 मिनट आप लोगों ने स्क्रबिंग पे दिए
और साथ साथ आप लोग जो अपना टोनर भी यूज़ करते रहे, एंड में जब आप लोग टॉवल यूज़ कर लेंगे, आप लोगों ने स्प्रे करना है और इसके बाद आप लोगों ने सीरम अप्लाई कर लेना है और आप लोगों ने सो जाना है। आप लोगों ने बाजारी एलोवेरा जेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर 99% जो है वाटर होता है और 1% जो होता है एलोवेरा जेल होता है। उसका आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेगा जितना आपको नेचुरल से मिलेगा। तो आई होप कि मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस फेशियल को घर में ट्राई कीजिए, 7 डेज़ के बाद इसको यूज़ कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी स्किन पर कितना अच्छा ग्लो एंड शाइन आता है, आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा कि आप लोगों को फेशियल कैसा लगा, आप लोगों ने फेशियल यूज़ करने के बाद अपने स्किन पर क्या फ़ील किया, क्या चेंजिंग फील की। तो वो सब मुझके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक।